एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का लेक्चर 7 है। इसमें हम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व किया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर चारों मैक्सवेल इक्वेशन पूछी जाएं तो उस मेथड से करिएगा, बट अकेले मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन आए तो वो मेथड नहीं चलेगा। तब हमें एम्पीयर्स लॉ से स्टार्ट करके उसका मॉडिफिकेशन करना होगा और वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, डिड्यूस फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड शो हाउ इट लेड द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो मैक्सवेल इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है, एम्पियर्स लॉ से स्टार्ट करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा सा हमें बताना है और फिर उसको मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पे लेके जाना है। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाई एंड हाउ मैक्सवेल मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, हाउ इट मेक्स एम्पियर्स लॉ टू वैलिड फॉर नॉन स्टेडी करंट। फिर है व्हाट कंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ बिफोर मैक्सवेल, हाउ मैक्सवेल मेक इट कंसिस्टेंट। ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कोई सी भी इसमें से लैंग्वेज आए, जो मैं आज आपको डेरिवेशन स्टार्ट करा रही हूँ, आपको वही डेरिवेशन करना है। From amperes circuital law, क्या है एम्पियर सर्कुलर लॉ? इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इक्वल टू आई, या बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, और एच अपॉन सॉरी बी अपॉन म्यू नॉट जो है एच हो जाता है। इक्वेशन वन। फिर हम करंट को क्या लिख सकते हैं? द करंट आई कैन बी और मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, जे। और क्या लिख सकते हैं हम आई को? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एल। इक्वेशन टू। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू की वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो एच डॉट डी एल इक्वल टू जे डॉट डी एस। तो आप क्या देख रहे हैं, एक साइड लाइन इंटीग्रल है, एक साइड सरफेस इंटीग्रल है। तो लाइन इंटीग्रल कैन बी चेंज इनटू सरफेस इंटीग्रल यूजिंग स्टोक थ्योरम। मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट टू मैक्सवेल इक्वेशन में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज होती है, नेक्स्ट टू मैक्सवेल इक्वेशंस में यानी कि थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में स्टोक थ्योरम यूज होती है। तो यूजिंग स्टोक थ्योरम द लाइन इंटीग्रल कैन बी चेंज इन टू सरफेस इंटीग्रल। और क्या कर सकते हैं हम, एच डॉट डी एल को कर्ल एच डी एस लिख सकते हैं। ये एस है सरफेस इंटीग्रल है ना, तो सरफेस इंटीग्रल एस लिख सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल इक्वेशन फोर। तो इक्वेशन थ्री में इक्वेशन फोर से वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम थ्री एंड फोर सरफेस इंटीग्रल कर्ल एच इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। और हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल है तो कर्ल एच इक्वल टू जे। इक्वेशन फाइव। देखा जाए तो ये मैक्सवेल इक्वेशन है आपकी स्टैटिक चार्ज के लिए, टाइम वेरिंग फील्ड इसमें इंक्लूड नहीं है। बट हमें कैसे पता है इसमें टाइम वेरिंग फील्ड इंक्लूड है कि नहीं है, तो वो हमें चेक करना होगा कि इसमें टाइम वेरिंग फील्ड है कि नहीं है, या ये इक्वेशन जो है सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए है। तो हम क्या करेंगे टू चेक चेक करने के लिए कि स्टैटिक है कि सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है, तो हम इसको चेक कर रहे हैं। दिस इक्वेशन
दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन 5 इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज and insufficient for time varying field. To show this, क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन लेते हैं टाइम वेरिंग चेक करने के लिए. तो डिफरेंशिएशन लेंगे, वेक्टर है, वेक्टर का डिफरेंशिएशन या तो कर्ल लेते हैं या डाइवर्जेंस लेते हैं. कर्ल ऑलरेडी ये है तो हम क्या करेंगे, इसका डाइवर्जेंस लेंगे. तो टू शो दिस, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 5, तो क्या लिख सकते हैं इसको, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एच equal to divergence of J of from vector identity, from vector identity हम जानते हैं किसी vector का अगर curl लें फिर उसका divergence लें तो वो zero होता है, तो इसकी value zero होगी. divergence curl H equal to zero, zero equal to डाइवर्जेंस J, और डाइवर्जेंस J की वैल्यू जीरो आ गई. डाइवर्जेंस J इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब हमारे पास डाइवर्जेंस J की वैल्यू जीरो आ गई. इक्वेशन हमने इसको 6 बोल दिया. इक्वेशन 6 है डाइवर्जेंस J इक्वल टू जीरो. अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे. वी नो equation of continuity. क्या होती है continuity equation? Divergence J plus del rho over del t equal to zero. यहाँ पे divergence J की value zero रखी, तो del rho over del t equal to zero. डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसकी वैल्यू हमने जीरो रखी, तो डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो. इसका मतलब डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो, मतलब रो कांस्टेंट है. कांस्टेंट है मतलब चार्ज जो है स्टैटिक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. दैट इज चार्ज should be static. तो अब मैक्सवेल ने क्या कहा कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशन निकल के आई थी अभी हमने एम्पियर्स लॉ से जो स्टार्ट किया, ये स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए इसमें जगह नहीं है, टाइम वेरिंग फील्ड इंक्लूड नहीं है. तो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया इसमें टाइम वेरिंग फील्ड होना चाहिए. उसके लिए उन्होंने जो करंट डेंसिटी जे है उसको जे प्लस जे डी से रिप्लेस किया इक्वेशन 5. हमने इक्वेशन नंबर को 5 बोला है. तो इक्वेशन 5 में जे को जे प्लस जे डी रखा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस टू इंक्लूड द टाइम वेरिंग फील्ड मैक्सवेल सजेस्टेड Ampere's law must be modified. Ampere's law must be modified. The current density J
should be replaced by J plus JD, where JD is displacement current density. Hence, equation 5 becomes curl H equal to J plus JD. देखा जाए मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन आ गई है अगर आप यहाँ पे जेडी की वैल्यू फाइंड कर लें या वैल्यू पुट कर दें. लेकिन मैंने क्या बताया था, ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है, जब आएगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट, टाइम वेरिंग फील्ड, सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी. तो यहाँ पे आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई में टाइम वेरिंग फील्ड इंक्लूड हो गया है. फिर से चेक करेंगे तो चेक करने के लिए क्या करोगे, दोबारा से इसका डाइवर्जेंस लोगे. तो इसको इक्वेशन 8 बोल देते हैं. इक्वेशन 8, टेक डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 8. तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच इक्वल टू डाइवर्जेंस जे प्लस JD. फैक्टर्ड आइडेंटिटी से ये वाली टर्म तो जीरो है ही, और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस J प्लस डाइवर्जेंस JD अंदर हो जाएगा. या हम कह सकते हैं डाइवर्जेंस J की जगह हम माइनस डाइवर्जेंस JD. तो डाइवर्जेंस J की वैल्यू जीरो तो नहीं है. और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा छोटा सा फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. तो फिर इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में, यानी कि इक्वेशन 7 में, फ्रॉम इक्वेशन 7 में हमने की वैल्यू रखी. तो डाइवर्जेंस जे की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस डाइवर्जेंस जे डी इक्वल टू, या प्लस का साइन ले लेते हैं, प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो. ओके, अब हम यहां से लिख सकते हैं डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू डाइवर्जेंस जेडी. तो यहां से आपको ये तो पता लग रहा है कि रो जो है जीरो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. डेल रो ओवर डेल टी जो है जीरो नहीं है और कांस्टेंट नहीं है रो. तो टाइम वेरिंग फील्ड इसमें हमारा इंक्लूड हो गया है. तो इसको हम 9 बोल देते हैं. वैल्यू पुट कर सकते हैं और जेडी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. वो कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन 8 मैक्सवेल इक्वेशन है, बस यहाँ पे आपको अब जेडी की वैल्यू पुट करनी है. तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, टाइम वेरिंग फील्ड है ये पता लग गया, रो कांस्टेंट नहीं है ये पता लग गया. अब हम क्या करेंगे, कैसे पता लगा, डेल रो ओवर डेल टी जीरो नहीं है और ये जीरो नहीं है तो मतलब रो कांस्टेंट नहीं है, कुछ वैल्यू आ रही है इसकी, है ना, रो की. अब हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस जेडी की वैल्यू या जेडी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, और वो क्या है, डाइवर्जेंस टी इक्वल टू रो. तो रो की जगह हम डाइवर्जेंस टी रख सकते हैं. इक्वेशन 10 बोल देती हूँ इसको. तो इक्वेशन 9 एंड 10 से, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, डाइवर्जेंस जे डी डेल रो ओवर डेल टी, और डेल डेल ओवर डेल टी और रो की जगह आप रख सकते हैं डाइवर्जेंस जी डी. डेल ओवर डेल टी और डाइवर्जेंस दोनों ऑपरेटर हैं, डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर हैं, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस डेल ओवर डेल टी डी, और डाइवर्जेंस बाहर आ गया, ऑपरेटर कैन बी इंटरचेंज. तो दोनों साइड डाइवर्जेंस है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं जे डी इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी. इक्वेशन 12, तो जे डी की वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन में पुट करिए. इक्वेशन 8 था आपका या 7 था, देख लीजिएगा.
जहाँ पे आपने फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 12 जहाँ पे आपने लिखा था कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस जे डी, और जे डी की जगह आप डेल डी ओवर डेल टी रख सकते हैं। तो ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अकेले आएगी तो जैसे मैंने आज आपको करके दिखाई है आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करनी है। पढ़ते रहिए, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए और चैनल को शेयर भी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।